ये देखिए हमारे आलू टमाटर की सब्जी हो गई है, तो अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग आप खैर के साथ होंगे। आज हम आलू टमाटर की और कांदे की सब्जी बना रहे हैं शादी, जिसके लिए हमने आलू लिया, इसे चॉप कर लिया बारीक बारीक, कांदा लच्छेदार कर लिया है। ये देखिए हमने कढ़ाई रखी है, उसके अंदर दो सूखी मिर्ची डाली है। आप चाहे तो और तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्ची भी ले सकते हैं। देखिए हमने एक हरी मिर्ची भी डाल दी है और इसके अंदर हम आलू और कांदा डाल रहे हैं। ये हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आ जाए। हमारा भून गया तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दे रहे हैं 2 चम्मच, सब 1 चम्मच तरफ भर के है। ये अब हम नमक डाल दे रहे हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम इसके अंदर धनिया पाउडर थोड़ा डाल रहे हैं, ये थोड़ा हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, ये थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं कलर के लिए। आप इसके अंदर चाहे तो थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। ये हम एवरेस्ट का सब्जी मसाला डाल रहे हैं, आप लोग भी डालिएगा जिससे बहुत ही लाजवाब आपकी सब्जी बनेगी। कोई भी सब्जी में आप ये मसाला डाल सकते हैं। और ये हम 2 टमाटर भी इसमें चॉप करके डालेंगे। ये देखिए हम टमाटर चॉप करके डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो छिलका डाल सकते हैं, हमने छिलका डाला है, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए देखिए अभी हम इसके अंदर सब्जी मसाला डाल दे रहे हैं और टमाटर के साथ ही हमने 2 टमाटर लिए, क्योंकि टमाटर के खट्टेपन से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है आलू का। आप जब टमाटर खाए चीनी भी डालेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। और इसे गलने के लिए हम किलो आज से रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा आलू टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी होगी। 10 मिनट हमने इसको पकाया, इसमें हमने पानी नहीं डाला, टमाटर के पानी में ही ये पकाए। तो आप लोग भी बनाएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि कैसा बना है। और देखिए एकदम लाजवाब बना है, ऐसे हमने गला भी लिया है। देखिए हमारे आलू टमाटर की सब्जी होगी तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनी है। आप लोग भी बनाएगा, कमेंट में बताएगा कि कैसा बना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए वापसी।